जनता को ये ज्ञान दिया है कि सब अस्पतालों में सब बीमारियों का निशुल्क इलाज होगा, जो कि कोरा धोखा है। डॉक्टर कसाई है या लुटेरा? हम ऐसे कसाई हैं जो 10 दिन से दुकान बंद करके बैठे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे हमें काटा ही नहीं जा रहा है। इस समय आप हमें गोली मार लो, लाठियां चला लो, जेल में डाल दो या सूली पे टांग दो। सरकार के पास इस समय सिर्फ 3 विकल्प हैं। पहला, सबसे आसान, सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल विकल्प जो है वो ये। सब कह रहे हैं डॉक्टर फ्री इलाज नहीं करना चाहते, क्या ये बात है? आप ये सोचते हैं ये बात है? आप खुद मतगार हैं, कभी किसी डॉक्टर को फ़ोन नहीं किया आपने कि मुझे दवाई बता दीजिए, सिर दुख रहा है, मेरे को बुखार आ रहा है? ऐसा कोई डॉक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे हिंदुस्तान में जिसको कम से कम 10 से 15 फ़ोन मरीजों के, रिश्तेदारों के, परिचितों के नहीं आते हों, और जो ये नहीं पूछते हों कि ये बच्चा रो रहा है, अभी खांसी आ रही है, अभी पेट दुख रहा है, और वो उसको टेम्प्ररी ट्रीटमेंट ना देता हो। ऐसा होता ही नहीं है। ये एक क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस है जो आप अननेसेसरी क्रिएट कर रहे हो, और आप कुल मिला के एक नैतिक श्राप हमारे ऊपर डालना चाहते हो। ये नैतिक श्राप हमारे ऊपर क्यों? हम हमारा धर्म निभा रहे हैं, हमें कोई हमारा धर्म निभाना ना सिखाए। धर्म राजधर्म नहीं निभाया जा रहा है, उनको निभाना है। मरीज की परेशानी कम कैसे होगी? देखिए साहब, मरीज, सिर्फ मरीज और सिर्फ मरीज के आगे हम नतमस्तक हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने को तैयार हैं। हम मजबूर हैं, हम इच्छा से नहीं आए। हमारी बहन वहाँ आमरण अनशन कर रही है, हमारे भाई लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, हमारे कितने डॉक्टर्स चले हैं धूप के अंदर, चिलचिलाती धूप के अंदर व्हील चेयर पर डॉक्टर्स आए, गोद में बच्चे लेकर के आए, वो किसी ने नहीं देखा है। और मरीज की चिंता हमको अभी भी है, और ये आपकी गलतफहमी है, ये मैं बता दूं, अभी भी जितने भी डॉक्टर हड़ताल पे हैं अपने सभी मरीजों को कुछ ना कुछ व्यवस्था उनके लिए करके दे रहे हैं। डॉक्टर कसाई है या लुटेरा? बिल्कुल सही बात है, हम तो सर्जरी करते हैं तो खून निकलता ही है, तो हमें तो कसाई मानेंगे ही आप। एकमात्र कसाई होगा, आप विधानसभा में खड़े होकर बोला गया है हमारे बारे में कि डॉक्टर कसाई है, और आप सोचते हैं हम सुन लें? सच्चाई क्या है? हम ऐसे कसाई हैं जो 10 दिन से दुकान बंद करके बैठे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं कि अरे हमें काटा ही नहीं जा रहा है, हमें काट लो, हमें काट लो। ये है आपका सच, ये एक नैरेटिव है, आप एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं। टोटल नैरेटिव है कि किसी भी तरह डॉक्टर को विलेन बता दो, जनता को विक्टिम बता दो, बीच के अंदर घुस के मसीहा बन जाओ, और उनको कहो हम तुम्हें इनसे बचा रहे हैं और लो तुम हमको वोट दे दो क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार क्या करेगी आगे? देखिए साहब, सरकार के पास इस समय सिर्फ 3 विकल्प हैं। पहला, सबसे आसान, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टफुल विकल्प जो है वो ये कि इसको वापस ले ले, ये विकल्प सबसे ज़्यादा ट्रायबल जो किया जाना चाहिए। दूसरा विकल्प कि सरकार इसमें गली निकालने की कोशिश करेगी, सरकार कहेगी ये हम कर देते हैं, ये हम नहीं करते हैं, जिसके लिए हम एग्री नहीं करेंगे, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। और तीसरा विकल्प कि सरकार हमारा दमन करे, दमन करके सरकार देख चुकी है, सरकार लाठियां चलवा चुकी है स्टैचू सर्कल पे, सरकार ने बीच में जाट वालों को गायब कराने की कोशिश करी, जाट को हमसे अलग कराने की कोशिश करी, जाट हमारे साथ है, सरकार वो भी करके देख ले। मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, इस समय आप हमें गोली मार लो, लाठियां चला लो, जेल में डाल दो या सूली पे टांग दो, हमारा एक ही स्टैंड है, आपको RTH वापस लेना पड़ेगा। आगे की क्या करनी चाहिए बाबू? देखिए साहब, ऐसा है, सरकार के पास इसका बजट ही नहीं है। अब ये गुब्बारा भक्क से फूटेगा, ऐसे फूटेगा कि जनता को ये ज्ञान दिया है इनके अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने कि सब अस्पतालों में सब बीमारियों का निशुल्क इलाज होगा, जो कि कोरा धोखा है। हमारे साथ तो इसलिए धोखा है कि हमें आपने एक एमरजेंसी राइट, अंडर एमरजेंसी कंडीशन राइट टू ट्रीटमेंट बना के दिया, उसको नाम आपने राइट टू हेल्थ दिया। जनता को ये समझाया कि सब अस्पतालों में सब बीमारियों का निजी इलाज कर, निजी अस्पताल फ्री इलाज करेंगे, जनता बड़ी आशा से हो गई, सब खुश हो गए। हमें आपने समझाया कि नहीं सर, हम एमरजेंसी ट्रीटमेंट ले कह रहे हैं, फिर जनता को जाके समझाया डॉक्टर बड़े कसाई हैं, डॉक्टर बड़े झूठे हैं, डॉक्टर पैसा ले लेते हैं, वो तो फ्री में इलाज करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे पहली बात, सरकार क्या मेरे घर में बिजली फ्री में देती है, मेरे बच्चे की फीस भरती है? ये सब कहानियाँ हैं जो सुनाई गई है जनता को। लेकिन अब दुख क्या है इनका? दुख सबसे बड़ा ये है कि आज की डेट में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति जो होता है ना, साधारण सामान्य व्यक्ति, उसको भी मैसेज पहुंचता है, उसको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको भी जानकारी पहुंचती है, और वो ये जान रहे हैं कि ये जो किया गया है सिर्फ सिर्फ वोट पाने के लिए किया गया है, और इससे कोई वोट पा भी नहीं पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक आम साधारण व्यक्ति भी ये सारी चाल को समझ रहा है, इस पूरे षड्यंत्र को समझ रहा है। आप सच जानना चाहते हैं? इनके पास बजट ही नहीं है। आप बजट एलोकेशन देखिए, 1.70 रुपये पर व्यक्ति का बजट एलोकेशन है उसके अंदर। वो बजट को आप देखेंगे तो जो इन्होंने कमेटियां बनाई है, वो कमेटी के अंदर ये होगा, वो NGO वाला होगा, एक IAS होगा, वो सब कमेटियों को पालने में ही वो बजट खत्म हो जाएगा। जनता को क्या दिया आपने? ये कोरा फुग्गा है, ये बात समझ लीजिए, ये इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है।
मुफ्त में कुछ होता ही नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है, देर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। ये मुफ्त की रेवड़ी बांटती है ना, अगर कोई आदमी मुफ्त की रेवड़ी बांटने को आ जाए तो उसका घुटना खत्म हो जाएगा और तिल भी खत्म हो जाएगा। सरकार को बिल वापस लेने में क्या समस्या है? सरकार की हेटी हो रही है, इसको छोड़ मैं शुरू से कह रहा हूँ, सरकार का अहंकार है, सरकार का दम्भ है। सरकार थोड़ी भी संवेदनशीलता से, और हमारे प्रति संवेदनशीलता तो हो ना हो, जनता के प्रति संवेदनशील होकर सोचे कि क्या सचमुच में जनता को इस बिल के बहाने वो दे रही है जिसका वो प्रचार कर रही है। तो सरकार अगर ये आत्ममंथन कर लेगी तो शायद सरकार स्वयं इस बिल को वापस कर लेगी।